बहराई सांप्रदायिक हिंसा का मामला अब धीरे धीरे शांत होने लगा है, लेकिन इसी बीच 23 लोगों को बुलडोजर कार्रवाई की नोटिस मिली। अब इन लोगों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इसमें 3 हिंदू शामिल हैं और 20 मुस्लिम शामिल हैं, लेकिन खास बात यह है 3 मुस्लिम में तीनों भाई के घरों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। पप्पू, मून, ननकौ, यहाँ पर बात करने के लिए महिलाएं मौजूद हैं जिनके घर पर बुलडोजर चलेगा, जिन्होंने ये आसियाना बना रखा था। ये लोग मायूस हैं, बहुत परेशान हैं, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ये पप्पू जो हैं, जो बड़े भाई हैं, उनकी वाइफ हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे अब जब बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही है तो अंदर से किस तरह का दर्द है, किस तरह की पीड़ा है। क्या नाम है चाचिया? हमारा नाम है जनकवारी। ये बताइए, आपके घर पर बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा, हमारे बच्चे जाए तो एक वचन का नोटिस लग गई है। हाँ, नोटिस लग गई है। परेशान हो आप लोग? हाँ, जरूर परेशान। तो ये बताइए, जो 3 हिंदू का नाम आ रहा है बुलडोजर चलने में, उसमें कौन कौन शामिल है? उमा सब हुई गई है। तीनों भाई हैं? हाँ, तीनों। हाँ, तीन आपस में तीन भाई हैं। तो तीनों भाई हैं इस समय मौजूद हैं? हाँ, तो एक भाई खत्म हो गया, बढ़ गया जने दो जने हैं। तो आप लोग क्या करोगे जब बुलडोजर चल जाएगा? बुलडोजर न चला तो ठीक रहा, हमारा दुकान बच जाता हूँ, हम कमाई थी खाई थी और तेरे पालिश के मांगे हैं, देखा पाँव से कौन में थोड़ा बहुत हिन कर रही थी तो दुकान लड़के बाल बच्चे का अपने चाहती और दुकान टूट गई तो कसके काम चले। अंदर से दुख है आप लोगों को? जरूर दुख है। तो ये पप्पू जी की वाइफ हैं और यहाँ पर पप्पू जी को बुला दीजिए, या बात कर लें उनसे। ये बुला दीजिए। तो ये पप्पू जी हैं, उनको फालिस मार गई है, दिक्कत है उनको। और ये इनका घर है, ये इनकी दुकान है, पूरी पक्की बनी हुई है, इसी में ये टायर ट्यूब का काम करते थे। देख लीजिए किस तरह से यहाँ टायर ट्यूब पड़े हुए हैं, किसी तरह की से इनकी जीविका चलती थी। अब जो इनका ये स्थान है जिस पर ये बैठा करते थे, काम किया करते थे, सोचिए जब इस पर भी बुलडोजर चल जाएगा तो कमाने का कोई भी जरिया नहीं रह जाएगा। ये घर बना हुआ है, इसी तरीके से इन लोगों ने बनवाया है। ये पप्पू जी हैं, इसी में काम किया करते थे। पप्पू जी, ये टायर ट्यूब का काम कौन करता था? टायर ट्यूब का काम करते थे। तो ये बताइए, यही आप कमाने का जरिया, यही दुकान थी? हाँ, बस। तो अब जब ये बताइए, जब बुलडोजर सुनने में आ रहा चल जाएगा तो कैसे जीविका चलाएंगे? नहीं तो हम कैसे चलेंगे भाई, आप लोगों के सहयोग से हम कैसे क्या करेंगे? हम तो एक हाथ एक पांव से हैं। बहुत अफसोस में है। बहुत हम अफसोस में रहन कल लेकिन लगा कि सुनने में आ रहा है कि आपने एक दो दिन से खाना वगैरह भी नहीं खाया। मैंने सही है, सही है, खाना पीना छोड़ रखा। मैंने सही है। तो पप्पू जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? आपने खाना पीना छोड़ रखा है, मायूस भी हैं, परेशान हैं। तो वैसे जैसे आप लोग चाहोगे वैसे होगा। अच्छा, ये बताइए, 3 नोटिस जो मिली है हिंदू की, उसमें सुनने में आ रहा है कि तीनों भाई हैं आप? हाँ, तीनों भाई। क्या क्या नाम है? पप्पू हमारा नाम है और हम तो छोटे हैं, मून है, और अगर ये जिन्हें एक्सपायर है उनके ननकौ नाम है, उनके एक्सपायर हो गए 2 महीना पहले। इस इलाके में हिंदू को सिर्फ 3 नोटिस आपको मिली है? 3 नोटिस खाली हमें। तो ये बताइए, कितने सालों में आपने इस मकान को बना के तैयार किया था, कितनी मेहनत लगी थी? मैंने बहुत मेहनत से उस साइड पर हमारा हाथ पाँव जब सही रहा है तो लगभग 18 साल हो गई था बना। तो आगे क्या उम्मीद है, बना पाएंगे फिर से? ना, आगे कोई उपाय नहीं। तो ये पप्पू जी हैं, यहाँ पर गाड़ियों का पंचर बनाने का काम किया करते थे। अब जब नोटिस मिल गई है, इसके ऊपर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी, अब ये देखने वाली बात होगी। जो ये यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं और भी जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, उसमें भी बहुत सारे गरीब हैं, इनकी जीविका कैसे चले। बहराइच के मासी महाराजगंज से लोकल 18 के लिए बिन्नू वाली।